हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास क्या क्या होने चाहिए, तो स्कैंड कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आपके पास होने चाहिए, इसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों होना चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सेल्फ अटेस्ट स्कैंड कॉपीज ऑफ क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो आपको मिली होगी क्लास 10th से, वो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए कंसीडर की जाती है। सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 12 प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, विच मीन्स कि 12th की आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड मैग्नेशन भी आपको 12th की चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, अगर किसी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, विच मीन्स ECA से अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपियर इन कंपल्सरी इंग्लिश आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट दैट दे हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज अप टू क्लास 10th। एटलीस्ट आपके इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश रिक्वायर्ड है हर जगह, ये तो हम जानते हैं। स्कैंड कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी विद द यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नंबर, विच मीन्स कि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने पास रखना है। एंड जो भी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने फॉर्म फिल किया है, उस फॉर्म का सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, विच मीन्स कि प्रिंट आउट भी आपके साथ होना चाहिए। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर JNU में जाओगे, तो आपके पास से प्रिंट आउट उसका होना चाहिए जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड हमेशा याद होना चाहिए आपके 3 ईयर कैरियर के लिए, बिकॉज पासवर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, बस उसमें लॉन्ग प्रोसेस रहता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आप उस पासवर्ड और लॉगिन आईडी को अपने कॉपी में एक जगह लिख लो ताकि हमेशा याद रहे। ईमेल आईडी तो वैसे ही सबको याद रहती है, बस पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए ताकि आपकी 3 ईयर जो भी ग्रेजुएशन का टाइम है उसमें आपका टाइम सेव हो और आप इजली लॉगिन इसे कर सको। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई दूँ। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।